हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग यूनिट 6 में फर्स्ट लेसन प्लेइंग इन अ लेन ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले डू यू नो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग ये बता दें कि प्लेइंग इन अ लेन ये जो पोएम का शीर्षक है, इस टॉपिक का अर्थ क्या हुआ हिंदी में। लेन हम लोग कहते हैं उस किसी गली को, या फिर आपके मोहल्ले में जो चारों तरफ से घर है, बीच में छोटी सी सड़क है, या पगडंडी है, या कुछ कोई गली है जिसके अंदर हम लोग कोई भी गेम खेलते रहते हैं। अक्सर बच्चे मोहल्ले में खेलते हैं, तो उस गली को लेन कहते हैं। और प्लेइंग इन अ लेन तो लेन में खेलना, या गली में खेलना, या मोहल्ले के आसपास खेलना बच्चों का, इसके बारे में ये है। और हम लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं, आप भी खेलते हो, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं डू यू नो में क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है विच गेम्स आर प्लेड इन द लेन, यानी गलियों में या अपने मोहल्ले में जो हम लोग खेला करते हैं कुछ भी गेम, बड़े बड़े स्टेडियम में या फील्ड में जो खेलते हैं वो नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले की गली में जो खेला करते हैं, वैसे खेलों में विच गेम्स आर प्लेड, किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं, या किस प्रकार के गेम्स आप खेलते हो। तो इसका जवाब भी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे खेल हम लोग खेलते हैं अपने गलियों में। कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल तो नहीं खेल पाते हैं उतनी छोटी जगह में, पर क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, गोली गोली से खेलते हैं, और भी कुछ छुपन छुपाई की खेल, ये सब खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू प्ले डिफरेंट गेम्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, क्या आप ऋतुओं के अनुसार या ऋतुओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार के खेल भी खेलते हैं। क्योंकि गेम्स जो होते हैं वो ऋतु के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे बरसात के दिनों में जब फील्ड में पानी होता है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, तो वैसे में फुटबॉल खेलने का बड़ा मज़ा आता है, और वैसे में गेम फुटबॉल का होता है। जाड़े में चूँकि धूप अच्छी रहती है, अधिक गर्मी नहीं लगती, तो वैसे में और पूरे पूरे दिन खेलना होता है, इसलिए क्रिकेट जाड़े में खेला जाता है। तो इस तरह ऋतु के अनुरूप ही हम कई गेम खेलते हैं। फिर देखिए, जब बहुत तेज़ अच्छी हवा सुहानी मौसम होती है बसंत ऋतु के समय, तो हम लोग पतंग उड़ाए करते हैं। तो इस तरह ऋतु के अनुरूप अलग अलग खेल होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भी ऋतु के अनुरूप खेलते हो, या सालों भर एक ही खेल खेलते रहते हो। तो ये तो हो गया हमारे सिंपल क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया। अब हम लोग इस पोएम पे आते हैं, यानी रीड एंड एंजॉय। हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, आनंद उठाते हैं इसका। चलिए, ऑन दिस संडे विथ माय फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट इन अ लेन, टुक अ बैट एंड टेनिस बॉल विथ माय फ्रेंड्स शॉर्ट एंड टॉल, बोल्ड इट स्लो एंड बोल्ड इट फास्ट टू द प्लेयर्स आउट एट लास्ट, on a short ball made four run to hit a six was such a fun, LBW no and wide umpire deciding in a side, bricks used for 3 wickets kids watching without tickets। तो इस छोटे से मज़ेदार पोएम का हम लोग आनंद उठाते हैं इसके हिंदी मीनिंग जान के। यहाँ बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, कि ऑन दिस संडे मतलब इस संडे, इस रविवार, अपने दोस्तों के साथ, विथ माय फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, प्लेइंग क्रिकेट इन अ लेन अपनी गली में, माने वही मोहल्ले की गली में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल रहे थे। तो इसी संडे हम अपने दोस्तों के साथ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में। टुक अ बैट, इसके लिए हमने क्या किया, एक बैट लिया, क्योंकि ज़रूरत है क्रिकेट खेलने के लिए एक बैट और एक बॉल की। तो बैट कोई सा भी एक लिया, मतलब क्रिकेट के बैट की तरह, और एक टेनिस बॉल, चूँकि उन्हें क्रिकेट बॉल नहीं था, टेनिस बॉल जो कि रबर की होती है जिससे चोट भी ना लगे, तो टेनिस बॉल थे उन लोगों के पास, जो उपलब्ध था, जो अवेलेबल था उसी से खेला। तो बैट और टेनिस बॉल लिया, बच्चे कह रहे हैं, विथ माई फ्रेंड्स शॉर्ट एंड टॉल, और जो मेरे दोस्त थे हम लोग उसमें कुछ लंबे, टॉल माने लंबे, शॉर्ट माने नाटे यानी छोटे हाइट के, तो हमारे फ्रेंड्स जो हम लोग सभी थे, कुछ शॉर्ट थे कुछ टॉल, हम सब मिल करके टेनिस बॉल और एक बैट के साथ इस संडे अपने मोहल्ले की गली में क्रिकेट खेल रहे थे या खेला। अब उस क्रिकेट में क्या हो रहा है या होता है, बोल्ड इट स्लो
एंड बोल्ड इट फास्ट, यानी हम लोग दोनों तरह की बॉलिंग करते हैं जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं। कुछ स्लो बॉल करते हैं यानी बॉल फेंकते हैं स्लो, कुछ फास्ट फेंकते हैं यानी तीव्र गति की बॉलिंग करते हैं। आप जानते हो, क्रिकेट देखा भी होगा आपने, कई बार मैच देखे होंगे टीवी पर भी, कि वहाँ फास्ट बॉलर्स भी होते हैं, स्लो बॉलर्स भी होते हैं, मीडियम पेसर्स भी होते हैं, तो हर तरह के बॉलिंग होती है। वैसे ही इनके फ्रेंड्स में भी स्लो और फास्ट बॉलर्स हैं। टू द प्लेयर्स आउट एट लास्ट, और ऐसी बॉलिंग वो लोग कभी स्लो कभी फास्ट किसको कर रहे हैं, किसको फेंक रहे हैं ऐसे बॉल, प्लेयर्स को। मतलब क्योंकि यहाँ पे एक ही मोटो रहता है, जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो उसकी उसके ध्यान में सिर्फ यही रहता है कि वो कैसे प्लेयर्स को आउट करे, है ना, जल्दी जल्दी आउट करे बॉलर्स को, तो बैट्समैन को। तो बॉलर्स की यही टेंडेंसी रहती है बैट्समैन को आउट करना या प्लेयर्स को आउट करना। तो ये जो बॉल फेंके जा रहे हैं फास्ट एंड स्लो, यानी विभिन्न प्रकार से अलग अलग टाइप से बॉल जो फेंके जा रहे हैं ताकि जो प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर रहे हैं उधर, वो आउट हो जाएं या आखिरी बॉल प्लेयर्स को भी आउट कर दिया जाए। आप जानते हो कि किसी भी टीम में जब जितने प्लेयर्स होते हैं उसके, जब तक कि सारे प्लेयर्स आउट ना हो जाएं वो गेम ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बदल बदल के बॉलिंग की जा रही है ताकि प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, बैट्समैन की तरफ फेंके जा रहे हैं ताकि वो आखिरकार आउट हो जाए। ऑन अ शॉर्ट बॉल मेड फोर रन, और जब शॉर्ट बॉल फेंका जा रहा है, आपको यहाँ बॉलिंग की कई तरह के प्रकार बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बॉलिंग आप खेलते होगे तो देखते ही होगे, कुछ स्लो फेंकते हैं, कुछ फास्ट फेंकते हैं, कुछ बॉलर शॉर्ट बॉल फेंकते हैं। शॉर्ट बॉल मतलब जो पिच जो विकेट तक पूरी नहीं जाती, उसकी लेंथ कम होती है, शॉर्ट लेंथ की बॉल फेंको तो उस पर अक्सर फोर ही आगे आके प्लेयर मारते हैं। तो वो कह रहे हैं बच्चे कि ऑन अ शॉर्ट बॉल, जब कोई शॉर्ट बॉल फेंका यानी कम लंबाई की बॉलिंग जब करी जा रही है या बॉल फेंके जा रहे हैं, तो उधर से प्लेयर क्या कर रहा है, फोर मार रहा है, यानी फोर बनाया उसने। तो बहुत ही मज़ा आता है जब बच्चों को फोर बनते हैं उसकी टीम के प्लेयर्स के द्वारा, और या फिर जिस प्लेयर ने फोर मारा उसे खुशी होती है क्योंकि एक ही बार में खरे खरे ही चार रन मिल जाते हैं, आप देखे हो। तो यहाँ पर शॉर्ट बॉल से फोर रन बना, टू हिट अ सिक्स, और कभी कभी तो सिक्स भी मार रहे हैं, वो सच अ फन, जो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है या बहुत मज़ा आ रहा है देखने वालों को भी खेलने वाले को भी, जब सिक्स हिट माने तेज़, जब बहुत तेज़ी से हिट करते हैं मारते हैं बॉल को बैट से, तो वो सिक्स जाता है, बहुत दूर जाता है ऊंचाई पे। इस तरह ये लोग जो संडे को बच्चे खेल रहे हैं उसमें शॉर्ट बॉल फास्ट बॉल शॉर्ट बॉल सभी फेंके जा रहे हैं, हर तरह की बॉलिंग हो रही है और हर तरह की बैटिंग भी हो रही है, कोई फोर मार रहा है कोई सिक्स भी मारा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अब जब बैट्समैन इतने तरह के शॉट्स मार रहे हैं तो आउट भी होंगे वो। अब आउट होने के लिए क्या क्या होता है, LBW यानी लेग बिफोर विकेट जब आ जाता है तो इसको LBW बोलते हैं, नो बॉल यानी जब बॉलर गलत बॉल फेंकता है तो उसे नो बॉल कहते हैं, एंड वाइड बॉल उसे कहते हैं जब वो जितनी चौड़ाई दी गई है उससे वो ज़्यादा वाइड फेंक देता है, तो वाइड। इस तरह LBW नो एंड वाइड, ये जज कौन करता है, अंपायर, और अंपायर कहाँ खड़ा रहता है, अंपायर डिसाइडिंग इन अ साइड। तो ये जज करना कि ये बॉल LBW था या नो बॉल था या वाइड बॉल था, इसका डिसीजन लेने वाले अंपायर होते हैं, हर मैच में एक अंपायर होता है, और वो कहाँ खड़ा रहता है, साइड में, बीच फील्ड में या मैदान में नहीं होता है, तो वो खेल जहाँ हो रहा है उसके साइड में खड़े होते हैं और वो निर्णय लेते हैं, डिसाइडिंग माने निर्णय ले रहे हैं कि LBW है नो बॉल है या वाइड। तो यहाँ जो बच्चे संडे को मोहल्ले में जो खेल रहे हैं लेन में अपनी गली में, वहाँ भी उन्होंने एक अंपायर बना रखा है जो ये डिसाइड कर रहा है साइड में खड़े होकर कि LBW हुआ या नो बॉल है या वाइड बॉल है। अब यहाँ कुछ विकेट्स देखिए, आप बिना विकेट्स के हम क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं, आपको मालूम है। तो इतने छोटे बच्चे जो गली में खेलते हैं उनके पास पूरी क्रिकेट की तो का ये रहता नहीं है कि विकेट बॉल पूरा उनके पास किट हो, क्रिकेट किट्स होते नहीं हैं। तो वो किट्स माने बच्चे किट्स जो है वो क्या कर रहे हैं कि ब्रिक्स को यानी ईंटों को, वो विकेट किसका बना लेते हैं, ईंटा के ऊपर ईंटा, ईंट के ऊपर ईंट रख रख के, वो देखिए यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 4 5 6 ईंट्स रखे हैं एक, और पूरी ऊंचाई की विकेट बनाई है। इधर भी देखिए कुछ ईंट रखे हुए हैं ये, और इधर भी दोनों साइड विकेट्स होते हैं, आपको मालूम है। इस तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स यूज्ड फॉर थ्री विकेट्स, और ब्रिक्स को यानी ईंट के ऊपर ईंट रखकर तीन विकेट्स बनाए जाते हैं वो बनाया गया है। और किड्स वॉचिंग विदाउट टिकट्स, और कुछ बच्चे जो नहीं खेल रहे वो केवल मैच देख रहे हैं या खेल देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल देखने आए हैं, वो बिना टिकट के
खेल देख रहे हैं यानी आनंद उठा रहे हैं इस खेल का। जबकि आपको पता, अगर हम स्टेडियम में खेल देखने जाएं बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन के, तो वहाँ भी पैसे लगते हैं और टिकट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये खेल जो मोहल्ले का गेम है, या जब हम मोहल्ले में खेलते हैं तो कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ देखने वाले भी दर्शक भी होते हैं और वो बिना टिकट्स के देखते हैं, तो ये बहुत ही आनंद मैं वातावरण है जहाँ संडे को बच्चे का स्कूल ऑफ है और बच्चे अपने मोहल्ले में, देखिए कितने प्यारे ढंग से उन्होंने इंतज़ाम भी कर लिया, जुगाड़ भी कर लिया विकेट्स के और बैट की भी, बैट तो है सबके पास लेकिन बॉल, टेनिस बॉल को यूज़ किया, और लंबे हों या नाटे हों हर हाइट के बच्चे मिलजुल करके क्रिकेट खेल रहे हैं, और इन्होंने भी वो सारे रूल्स को फॉलो किया है जो किसी गेम में होते हैं। इस तरह ये पोएम जो बहुत ही अच्छा, और आप भी ऐसे गेम खेलते ही होंगे अपने लेन में और भी विभिन्न प्रकार के कुछ दूसरे गेम भी खेलते होंगे आप, तो ये पोएम तो ख़त्म हुआ, अब मैं इसकी हिंदी मीनिंग भी बता दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। ओके, थैंक यू।